हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिलेगा किस तरीके से किसी भी LCD LED TV का पैनल के अंदर जो नेगेटिव पिक्चर आती है उस नेगेटिव पिक्चर प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में पूरा प्रैक्टिकल जानकारी मिलेंगे। और इस वीडियो के अंदर आपको लाइव प्रैक्टिकल और मॉडिफिकेशन के साथ देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से पैनल के अंदर जो नेगेटिव पिक्चर प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व किया जाता है। तो अगर आप उस टेक्निक के बारे में जानकारी लेना चाहते हो कि किस तरीके से पैनल का नेगेटिव पिक्चर को ठीक किया जाता है तो इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन दिख रहा है उसके ऊपर प्रेस कर दीजिए। उसके साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसके ऊपर भी प्रेस कर दीजिए। ये देखिए, ये सैमसंग का 26 इंच सेट है। इसमें पिक्चर क्या है देखिए, अब ये हमारा टेबल में अभी ओपन होने खुला हुआ है। देखिए क्या प्रॉब्लम है, इसमें जो पिक्चर है वो पिक्चर देखिए नेगेटिव, देखिए ब्राइटनेस सही नहीं है। देखिए क्या हो रहा है, देखिए अब देखिए अच्छा करके क्या हो रहा है, देखिए देखिए वो पिक्चर का साइड में ग्रीन कलर आ रहा है। देखिए नेगेटिव नेगेटिव पिक्चर है। देखिए ये पिक्चर है, आपको अच्छा करके देखिए ये पिक्चर है। देखिए पूरा देख लीजिए, ये सैमसंग का है। देखिए जो लिखा है, देखिए मस्ती का साइड में देखिए डिस्टर्ब है। ये देखिए पिक्चर में फुल्ली डिस्टर्बेंस भरा हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए ये साइड में देखिए एक ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी हम पैनल का जो बेसिक फंडा है, बेसिक वोल्टेज है, ये इसका स्केलर बोर्ड है। देखिए स्केलर बोर्ड में क्या है, देखिए ये देखिए ये प्रोसेसर है LVDS। ये हमारा मेमोरी IC है। देखिए मेमोरी है, ये DC to DC है। देखिए ये हमारा स्कैन ड्राइवर है, CKB बना रहा है, स्कैन ड्राइवर है ये। देखिए CKB बना रहा है ये। और ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एक्चुअल होता है कहाँ से, ये देखिए नॉर्मली ये पैनल का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारा हो सकता है ACability से, हो सकता है हमारा गामा से, हो सकता है हमारा VCOM से, ऐसा है। LVDS से हो सकते थे, हम LVDS सब देख लिया, वो चाइनीज बोर्ड लगा के भी देख लिया, यही प्रॉब्लम है। तो देखिए अभी हम दिखा रहे हैं आपको मीटर से, ये हमारा पैनल VCC है। देखिए 12 वोल्ट है, दिखा रहा है 12 वोल्ट। देखिए 12 वोल्ट दिखा रहा है, देखिए 12 वोल्ट है पैनल VCC। उसका बाद देखिए हमारा जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर का जो वोल्टेज है, देखिए देखिए ये जो मेमोरी है, मेमोरी IC में 3.3 वोल्ट है। देखिए देखिए 3.3 वोल्ट है ना, पॉजिटिव चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो PR है, देखिए देखिए ये 5 PR का पैनल है। देखिए यहाँ पे जो 5 PR का पैनल है, देखिए ये 0 -0+1 -1+2 -2+ +3 -3+ है। देखिए हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। देखिए देखिए 1.2 वोल्ट है, ये 0- है 1.2 वोल्ट, ये देखिए प्लस है 1.1 वोल्ट, ये देखिए 1 -1.2 वोल्ट, उसका बाद देखिए 1.1 वोल्ट, ये देखिए 1.2 वोल्ट, ये देखिए 1.1 वोल्ट, ये देखिए क्लॉक है, क्लॉक का वोल्टेज 1.1 वोल्ट, 1.2 वोल्ट,
1.2 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, सारा वोल्टेज बराबर है। अभी देखिए यहाँ पे जो हमारा देखिए 12 वोल्ट है, ये हमारा 14.94 15 वोल्ट है, हमारा एवीडीडी वोल्टेज है। ये देखिए लिखा भी है यहाँ पे एवीडीडी 15 वोल्ट है, और देखिए ये जो है एवीडीडी है 3.2 वोल्ट, ओके है, बराबर है। और देखिए ये जो हमारा VGS है, देखिए -11 वोल्ट VGL है, ये हमारे स्कैन ड्राइवर में इन हो रहा है, वही वोल्टेज हम दिखा रहे। -5 वोल्ट है, -27 वोल्ट VGS है, देखिए ये जो कप है, देखिए एक कप में, देखिए एक कप में हमारा ए साइड में भी कम जा रहा है, देखिए भी कम का वोल्टेज है 6.10, इस साइड में 6 वोल्ट है। ये देखिए विकम 1, विकम 2, 3 विकम है, यहाँ पे देखिए 6.3, यहाँ पे देखिए 6.3, ये हमारा तीनों वोल्टेज ओके है। ए साइड में देखिए विकम इन हो रहा है, देखिए ए 4 वोल्ट है, यहाँ पे देखिए 5.5, ये विकम है, विकम 2 है, विकम 3 है, विकम 4 है, 4 विकम है, यहाँ पे देखिए दूसरा दूसरा नाम पे है। ये हमारा ये जो गामा है, देखिए गामा है, गामा में जो रेफरेंस पॉइंट है, देखिए ए यूएस है, देखिए 14.65 है, उसका बाद देखिए आधा हो गया 8 वोल्ट यूएल, उसका बाद एलएस लो हाई में 6.2 वोल्ट है, उसका बाद देखिए ये हमारा 1 वोल्ट का नीचे 0.275 दिखा रहा है, हमारा गामा वोल्टेज बराबर ही है, क्योंकि रेफरेंस जो वोल्टेज है वो बराबर दिखा रहा है। आपको मालूम है तो आप अब 4 वोल्टेज मेजरमेंट करके मैक्सिमम गामा वोल्टेज को आप मेजर कर सकते सही है कि नहीं है, मैक्सिमम सेट में 80% 90% आप मेजर कर सकते। उसका बाद देखिए ये हमारा भीकम एआईसी से बना हुआ है, विकम क्या है देखिए, ये देखिए ए पॉइंट में हमको मिल रहा है 4 वोल्ट, एक आउटपुट है देखिए 6.5 वोल्ट, ये देखिए 6 वोल्ट, ये देखिए 6.5 है, ये हमारा 6.5 है, देखिए ये हमारा 6.5 है, सारे से सारा जो वोल्टेज है वो 6.5 ही आउटपुट बता रहा है। यहाँ पे जो भी कम आया है देखिए, ए पॉइंट में देखिए ये जो भी कम एस 4 है उसमें वोल्टेज है 0.795, वो जो भी कम जी 2 है, भी कम 2 है, वहां पे देखिए 0.8.2 है। ये जो एक पॉइंट है भी कम का, ये पॉइंट ये 4 का पॉइंट है, और ये जो पॉइंट आपको बता रहा है साइड में, ये पॉइंट में वोल्टेज सही नहीं है, इसका वजह 4 वोल्ट है, भी कम कम से कम 6 वोल्ट रहना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है देखिए ये वोल्टेज देखिए 6.12, यही भी कम का फॉल्ट है, ये हम भीकम वोल्टेज हमको अच्छा नहीं मिल रहा है, भीकम का फॉल्ट है, भीकम वोल्टेज अच्छा नहीं मिल रहा है, ये भीकम ऐसे अच्छा करके दिखाओ, बढ़िया करके जूम करके दिखाओ,
जूम करो। ए ऐसे देखो, ए भी कम का है और इसका साथ ए साइड में लिखा देखो। हाँ देखो, ए देखिए भी कम लिखा है, भी कम टू, ठीक है। ए देखिए भी कम टू, ए ऐसे से ही निकाला। ए साइड में देखिए भी कम, देखिए दो तीन भी कम है। ए साइड में जूम करो, ए साइड में मीटर का पॉट का सामने। ए देखिए ए भी कम, देखिए ए भी कम वन है, भी कम जी वन है। देखिए ए साइड में देखो, अभी ए साइड में देखो, देखिए भी कम एस फोर है, इसमें वोल्टेज अच्छा नहीं है। ए भी कम जी टू है, देखो दो तीन भी कम है। ए साइड में देखो, देखो भी कम थ्री है, भी कम थ्री में कितना वोल्टेज दिखा रहा है देखो, भी कम थ्री में हमारा दिखा रहा है 2.2 मीटर, दिखाओ 2.2 वोल्ट भी कम थ्री में। तब भी कम थ्री और फोर में वोल्टेज अच्छा नहीं है, एक आप में उधर में वो साइड में वोल्टेज अच्छा नहीं हो रहा है। एक्चुअली भी कम का बजाय से ए फॉल्ट हो रहा है। तो हम अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए आप अच्छा करके हम अभी ये रिपेयर करने का कोशिश करेंगे, आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए अभी देखिए यह से हम वायर मार दिया, यह तक देखिए भी कम आईसी से मॉडिफाई करके वहां पे दूसरा वोल्टेज से वहां पे वायर मार दिया और यह से देखिए वायर वायर लेके यहाँ पे दे दिया, देखिए यहाँ पे दे दिया हम ये एक टेप दे दिया क्यों वहां पे सपोर्ट वो जो खुल ना जाए नहीं जाएगा इसलिए वो सपोर्ट दे दिया। देखिए अभी हमारा पिक्चर देखिए बराबर फुल्ली ओके हो गया, पिक्चर पूरा ओके हो गया, देखिए पिक्चर फुल ओके हो गया, हमारा पिक्चर फुल ओके हो गया। अभी यहाँ पे देखिए कितना वोल्टेज है, देखिए देखिए 6.7 आ गया, देखिए 6.7 आ गया। यहाँ पे भी कम था वोल्टेज, देखिए कितना है, देखिए 5.5 आ गया। देखिए पिक्चर हमारा यहाँ से जो वोल्टेज था 6.8 वहां से हम वोल्टेज दे दिया, देखिए अच्छा करके देखिए कोई छुपाना नहीं है, देखिए डायरेक्ट हम पूरा दिखा रहा है। देखिए यह से हम वायर से जंप मार दिया, या वो पॉइंट में आईसी एक्चुअली आईसी खराब है, ये वो पॉइंट में वोल्टेज कम है इसलिए हम दूसरा पॉइंट से वोल्टेज देके दे दिया। आपको देखना पड़ेगा, मैचिंग करना पड़ेगा, आपको पैनल का पूरा जानकारी चाहिए, आपके पास पूरा जानकारी है तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए गामा आईसी है, देखिए ये जो हम आईसी दिखा रहे हैं, देखिए गामा आईसी है, देखिए पूरा उस टाइम गामा का हम रेफरेंस वोल्टेज दिखाया था, देखिए पूरा देखिए, ये देखिए, ये देखिए मेमोरी आईसी है, ये देखिए हमारा प्रोसेसर है पैनल का, ये देखिए ए एवीडीडी वोल्टेज है, देखिए ए पैनल का मदर वोल्टेज है, ये देखिए भी ऑफ है और इधर देखिए ए भी ऑन है, देखिए भी ऑन है पूरा हम दिखा रहे हैं, देखिए क्लियर करके पूरा देखिए। ये देखिए 3.3 आई वीडीडी, वो वीएसएस है, वीएसएस नेगेटिव वोल्टेज है वीएसएस, देखिए देखिए भी कम कितना कितना भी कम है, देखिए दो तीन भी कम है। यह से एक प्रॉब्लम था, हमें प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, हमारा पिक्चर फुल्ली ओके है, देखिए देखिए फुल्ली ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल्ली ओके है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप आ सकते हमारा ट्रेनिंग में, अब जुड़ सकते हैं हमारा साथ, हमारा ग्रुप का साथ, हमारा ट्रेनिंग का साथ। हमारा नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है वो हमारा फेब्रुआरी फर्स्ट वीक में है झारग्राम, वो पश्चिम मेदिनीपुर झारग्राम जिला में, झारग्राम अभी जिला हो गया झारग्राम में वो। उसका बाद होगा हमारा रायगंज में ट्रेनिंग है, रायगंज जो दिनाजपुर में है वेस्ट बंगाल का, झारग्राम भी वेस्ट बंगाल में है और कोचबिहार में है वो, मार्च में हमारा कोचबिहार में ट्रेनिंग है, बर्धमान में है, पुरुलिया में है, बांकुड़ा में है और मिदनापुर दीघा में भी है। तो जो जो आपको ट्रेनिंग चाहिए, सीआरटीटीबी टेक्नीशियन अपडेट होना चाहिए, एलडी
एलसीडी एलईडी टीवी टेक्नीशियन में अपडेट होना चाहिए। और पैनल के बारे में आपको डिटेल चाहिए तो आप आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। सॉफ्टवेयर का चाहिए तो वो भी जुड़ सकते हैं हमारा ट्रेनिंग में। हमारा ट्रेनिंग फुल्ली होगा, आपको ट्रेनिंग में आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए पैनल का फुल डिटेल सबको मिल जाएगा, आप ट्रेनिंग में आ सकते हैं। देखिए आप हमारा जो स्क्रीन में जो नंबर है वो नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेस्ट बेंगले जो तो ट्रेनिंग हो सब बांग्लाते ही अच्छा एखन। और जरा हिंदी ते ट्रेनिंग करते चाहो, जो जो टेक्नीशियन हिंदी में चाहिए वो हमारा साथ पर्सनली कॉन्टैक्ट कीजिए, हम बता देंगे कहाँ पे हिंदी में ट्रेनिंग है। वेस्ट बंगाल में भी है, वेस्ट बंगाल का बाहर में भी है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पूरा ओके है। देखिए पैनल फुल ओके है, हम ये वायर मार के बाईपास कर दिया, पैनल ओके है। ठीक है सर।